नमस्कार चंदन, इंडियन कुकिंग में सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। इडली बनाने के लिए देखिए क्या क्या सामान लगता है और कैसे बनाते हैं इडली। हमने लिए चावल, ये हमने दाल लिया है और देखिए यही चावल है, थोड़ी सी हमने पोहा लिया है। पहले देखिए हमने डाल देते हैं इसमें चावल। हम कुछ बॉयल चावल लिया है, इधर में साउथ का चावल है, और कुछ हम लिए हैं सोनम मसूरी चावल, ये देखिए। और इसको हमने देखिए और देख नाप लेते हैं इसको, हमको तो पता है मगर हम नाप देखा इतना हमने लिया है। अब इसको हम धुल लेते हैं और इसको हम डाल लेते हैं, अलग अलग हम पीसेंगे, एक साथ भी पीस सकते हैं। और ये हमने थोड़ी सी लिए पोहे, इसको हम इसको धुल लें, फिर इसको धुल के डाल देंगे। हमने दाल धुल लिया है और देखो चावल धुल लिए, पोहे भी धुल के इसमें डाल लिया। अब इसमें हमने पानी डाल के रख देते हैं। अब इसको हमने शाम के देखिए इसको पीस लेंगे। अभी ना 12 बजा है और हमने 12 बजे इसको फुला रहे हैं, 5-6 घंटे रख रहेगा, फिर इसको पीस लेंगे। देखिए पानी हमने डाल के रख दिया, अब इसको ढक के रख देते हैं, जब फूल जाएंगे जब हम इसको पीसेंगे। ये हमारी दाल अच्छे से फूल गई है, ये हमने पोहा डाल दो पोहा, ये देखिए चावल भी अच्छे से फूल गए। अब देखिए पीसते हैं इसको। पहले हम चावल पीस लेते हैं, फिर हम दाल पीसेंगे। इसका पानी हमको दाल का पानी लेना है, चावल में हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, इसमें डाल लेना है और इसको पीस लेना है। कितना अच्छा पिस गया है ये। अब इसमें हम गंजी में डाल देते हैं। अब हम दाल भी पीस के दिखा देते हैं। देखिए दाल भी कितनी अच्छे से हमारी पिस गई है, इसमें डाल देते हैं। दाल चावल की तरह से सब पीस लेना है हमको। देखिए हमने कितना अच्छे से पीस लिया ये दाल और चावल पीस के हमारा ये रेडी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में इसको ढक के रख देंगे रात में, खमीर अच्छे से उड़ जाएगा, फिर हम दिखाते हैं। देखिए चम्मच लीजिए और अच्छे से इसको फेंक दीजिए, अच्छे से जितना अच्छे से फेंकेंगे ना उतना अच्छा है, इसमें खमीर उठेगा और उतनी अच्छी इडली सॉफ्ट बनती है। हाथ से भी फेंक सकते हो और इससे भी फेंक सकते हो। देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर बना है। अब इसको हम देखिए ढक के रख देते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी सुबह इडली। देखिए हमने कल पीसा था, देख क्या मस्त इसमें खमीर उठी है, मस्त इडली बनेगी और पूरे सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए और दाल और कल हमने चावल पीस कर रखा था, देखिए कितना अच्छा खमीर उठा है इसका। इसका इडली बना लो, डोसा भी बन जाएगा, जो बनाना हो जो बना सकते हैं इसका। अब हम इसका इडली बनाएंगे। तेल लगा लेना सभी में। देखिए ब्रश लिया है हमने, ब्रश से आपका जो चीज है उसी से लगा लीजिए, जरूरी नहीं कि ब्रश से ही लगाइए। ये सभी में तेल लगा लिया है, अब इडली को इसमें देते जाते हैं। हमने पानी रख दिया था गर्म करने के लिए। देखिए कितना अच्छा फूल गया है, इसमें कोई इनू भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, और हमसे हमारा खमीर इतना अच्छे सूट गया, हमने पीस कर रात में रख दिया था। आप लोग भी इसे बनाइएगा, कुछ नहीं डालना पड़ेगा इनू फुलाने के लिए। इसमें हम सब इडली रख दिए, चार सांचा वाला हमारे इडली, आप का जौन से हो उसे बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए देखिए कितनी सॉफ्ट इडली बनी है, ये देखिए ऐसे सब निकाले, थोड़ी सी गर्म है, ठंडा हो जाए हल्का, उसके बाद हम निकाले। ये देखिए हमने इसमें कोई इनू नहीं डाला, कोई सोडा नहीं डाला, कितनी मस्त फूली है हमारी इडली,
टिफिन के लिए रेडी है इडली। इसमें हम रख देते हैं इडली और चटनी।